नमस्कार। इस समय की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने खुलासा किया कि करीब 4 से 5 साल पहले उन्हें पैगासस स्पाईवेयर खरीदने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। दोस्तों आपको बताते चलें, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने भले ही इस ऑफर को ठुकरा दिया हो, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने पैगासस स्पाईवेयर खरीद लिया और यहां पर राजनेताओं की जासूसी करवाई। ममता बनर्जी ने कहा कि इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी हमारी पुलिस विभाग के पास 4 से 5 साल पहले अपनी मशीन बेचने आए थे और 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल हो सकता था, जजों या अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था, जो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने पैगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि पिछले साल पैगासस के जरिए लोगों की जासूसी किए जाने का मामला सामने आया था। वहीं मोदी सरकार पर सवाल भी उठे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट भी आने वाली है। ये दोस्तों इस समय की बड़ी खबर निकल के आ रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।